The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, iron deficiency, what is iron deficiency? Uh... कैसे पता चलेगा आपको आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या है आयरन डेफिशिएंसी के देखिए हर ऑर्गन को हर टिश्यू को आपकी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए और ऑक्सीजन लेके जाते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन लेके जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भरता है आपके लंग्स आपके फेफड़े आपके लंग्स ऑक्सीजन भरते हैं रेड ब्लड सेल्स लेके जाते हैं और उसमें एक आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है जो होता है आ, रिंग होता है आयरन की आ, रिंग होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं ये आयरन से बनती है सो तो यही ऑक्सीजन को पकड़ती है यही ऑक्सीजन को लेके जाती है यही आपके लिए मतलब जान रक्षक जो मर्जी बोलो ये नहीं तो आप नहीं सिंपल राइट हीमोग्लोबिन के बगैर नहीं जी सकते हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो खून चढ़ाना इसीलिए पड़ता है क्योंकि दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है सो so, आयरन इतनी ज़रूरी चीज़ है और आपके शरीर में ये आयरन के से बना हुआ प्रोटीन हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है सो so, बिना इसके आपका शरीर ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाएगा तो आपके हर एक टिश्यू हर एक ऑर्गन और को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो होगा क्या वहाँ पर थकावट महसूस होगी भी ताकत ही नहीं है तो थकावट होगी ना वीकनेस होगी आपको कमजोरी होगी ये सब होगा सांस फूलेगा कम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा ये सब होगा तो आपने क्या करना है आपको आयरन अगर कम हो गया आपको कैसे पता चलेगा आपके डॉक्टर को कैसे पता चलेगा आयरन कम हो गया तो ऑब्वियसली आपको तो कमजोरी होगी आपको सांस फूल सकती है आपको वीकनेस टायर्डनेस फील होगी ये सब होगा राइट और आपके डॉक्टर क्या करेंगे आपका हीमोग्लोबिन लेवल कराएंगे आयरन प्रोफाइल कराएंगे इससे पता चल जाएगा और जैसे ही पता चल गया आयरन कम है तो आयरन सप्लीमेंट दिया जाएगा आयरन की दवाई दी जाएगी आयरन बढ़ जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे बात खत्म कहानी खत्म है ना नहीं इतना सिंपल नहीं है फिर सोचना पड़ता है आयरन कम क्यों हुआ सो so, आयरन कैसे कम होगा आयरन हुआ कम है तो फिर हो सकता है राइट right? सो so, कम क्यों हुआ पहला कारण आयरन आपके खाने पीने में कम है आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे जिसमें आयरन है तो इम फूड जिसमें आयरन नहीं है वो खा रहे हो या दूसरा कारण आयरन खा रहे हो लेकिन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा ये दूसरा कारण राइट right? और तीसरा कारण आप प्रेग्नेंट हो सकते हो जी हाँ प्रेगनेंसी में आपका आयरन का रिक्वायरमेंट ही बढ़ जाता है रिक्वायरमेंट ही बढ़ गया मतलब ज्यादा आयरन की जरूरत है वेरी सिंपल सो अगर आपका डाइट में आयरन कम है तो कितना डाइट में आयरन चाहिए कितना आयरन चाहिए आपको आयरन आपके उम्र आपके जेंडर के हिसाब से चाहिए आदमी लोगों को मेन को आठ एट मिलीग्राम पर डे चाहिए और वुमेन को जो पचास साल से कम है उनको उनको 18 मिलीग्राम 18 मिलीग्राम का चाहिए सो so, वुमेन को 10 मिलीग्राम ज्यादा चाहिए ऑलमोस्ट दो गुना से ज्यादा सो so, मेन को 8 वुमेन को 18 18 मिलीग्राम रोज चाहिए आपकी बॉडी अगर ये हुआ पहला कारण अगर आप इससे कम खा रहे हो तो दूसरा कारण इसलिए इसीलिए ये देखो इसीलिए विमेन में आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा कॉमन है क्योंकि वुमेन को ज्यादा चाहिए सिंपल एज अ पिंपल मेन को कम चाहिए फिर दूसरा कारण अगर आपका बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही क्यों नहीं कर पाएगी कोई स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है मान लो कोई सीलियाइक डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्रॉन्स डिजीज है बेसिकली ये इन्फ्लामेटरी बॉगल डिजीज है तो होगा या फिर आपने कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई कोई ऑपरेशन कराया पेट में किसी भी प्रकार का तो या आपको लूज मोशन हो, हो गया गैस्ट्रो इंट्राइटिस हो गया टाइफाइड हो गया और बहुत ज्यादा सिवियर हो गया कि अंदर का एब्जॉर्प्शन सिस्टम थोड़ा खराब हो गया ऐसे कारण भी होते हैं ये भी कारण होता है पेट खराब है एब्सॉर्ब नहीं हो रहा तीसरा कारण खून लॉस हो रहा है भैया ब्लीडिंग हो रही है कहां से कहीं से भी हो सकती है। बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर कहां से होगी <coughs> पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर पेट में छाला है जो खून रिस रहा है आ, हर्निया है पेट के अंदर वहां पर भी खून थोड़ा बहुत बह सकता है यूट्रस के अंदर आपके फीमेल के अंदर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है वहां खून बह सकता है कोलोन इंटेस्टाइन के अंदर जो तो कोलोन है बड़े बड़े इंटेस्टाइन उसमें मान लो पॉलिप है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है राइट बहुत सारी इवन पीरियड्स हैवी आ सकते हैं जिससे आयरन की कमी हो सकती है और इसी एक कारण की वजह से ही फीमेन को फीमेल को ज़्यादा आयरन चाहिए होता है क्योंकि उनके पीरियड होते हैं हर महीने उनको ब्लड लॉस होता है मेन को नहीं होता ठीक है इसीलिए उनको ज़्यादा आयरन चाहिए कोई बोलेगा क्यों? तो ये है कारण। प्रेगनेंसी में भी और चाहिए अलग से सप्लीमेंटेशन चाहिए आपका दूध काफी नहीं चार महीने के बाद इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो है आपके डाइट में आपके सप्लीमेंट में आयरन होना चाहिए प्रेगनेंसी में भी फिर आया कि आयरन डेफिशिएंसी हो गई अब क्या सिम्टम आएंगे क्या सिम्टम टायर्डनेस कमजोरी आपकी बिकॉज आपके, आपके खून ही कम होगा तो लाल लाल नहीं दिखेंगे आपके गाल आपके थोड़े सफ़ेद हो जाएंगे सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगोगे पेल दिखने लगोगे एनीमिक हो जाओगे सांस फूलेगा क्योंकि ऑक्सीजन लेके नहीं जा सांस फूलेगा जोर जोर से सांस लोगे चक्कर आ सकता है दिमाग को ऑक्सीजन नहीं गया हेड हो सकता है दिमाग को ऑक्सीजन नहीं गया तो दिमाग जिनको बोलेगा भैया तेज को, को हमारे पास खाना नहीं आ रहा तो तेज धड़कन तेज हो जाएगी छाती में दर्द हो सकता है ठंडे हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं हेयर लॉस हो सकता है आपको उल्टा सीधा खाने का मन कर सकता है क्योंकि शरीर दिमाग को दिमाग शरीर को एक सिग्नल देता है कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ तो कुछ भी खाता है इंसान डर्ट खाने की पाई का नाम की चीज होती है है आपको क्ले ना, क्ले ना ऐसी चीजें बर्फ खाने का मन करता है आ, आपकी जवान सूझती है पैर बार बार हिलता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं ब्रिटल नेल, नेल क्रैक हो जाते हैं हेयर लॉस होता है जी हाँ ये सब होता है आयरन डेफिशिएंसी में और इस सब के लिए डायग्नोस करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है वेरी सिंपल डॉक्टर क्या करेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी कैसे डायग्नोस होती है कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है हीमोग्लोबिन पेरिफेरल पैरिफेरियर किया जाता है पेरीफलमियल में पता चलता है किस प्रकार के शेप है आपके आर के किस प्रकार का साइज़ है उसके स्ट्रक्चर कैसा है आर बी छोटे छोटे तो नहीं आ रहे इमेच्योर तो नहीं आ रहे हिमाटोक्रिट किया जाता है कि आपके ब्लड के अंदर कितने परसेंटेज है आपके आर का हीमोग्लोबिन किया जाता है सिरम के अंदर आयरन और फेरेटिन देखा जाता है और ट्रांसफरिन ट्रांसफरिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखी जाती है ये सब क्या है आयरन के पैरामीटर आयरन कम होगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी शरीर तो इस सब पता चलता है आयरन की डेफिशिएंसी है कि नहीं रेटिकुलोसाइट काउंट किया जाता है ये सारे टेस्ट होते हैं ये पता करने के लिए कारण क्या है डेफिशिएंसी का कहाँ है और उसके बाद ब्लीडिंग ढूंढी जाती है एंडोस्कोपी की जाती है इसोफेगस में या नीचे से ब्लीडिंग ग्रोथ कैंसर पॉलीप कुछ अल्सर ढूंढने के लिए और अल्ट्रासाउंड uh, कर सकते हैं नीचे का पेल्विस का बायोप्सी कर सकते हैं यूटरस की अगर वहां पे कोई गांठ कोई फाइब्रॉइड कोई रसौली मिल जाए और लैटरिन uh, की जांच कर सकते हैं कि में ब्लड तो नहीं फीकल रही ब्लड देख सकते हैं ये सारी चीजें की जाती है फिर मान लो हो गया टेस्ट पता चल गया आयरन <coughs> डेफिशियंसी है इलाज इलाज पहले पहले तो को पूरा करना पड़ेगा कारण का इलाज तो होगा कारण जो भी है पाइल्स है अल्सर है कैंसर है ब्लीडिंग है कुछ भी है उसका इलाज अलग है लेकिन का डेफिशियसी को पूरा करना पहला काम पहला काम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोगों को 150 से 200 मिलीग्राम डेली कितना चाहिए था आपको 8 और 18 अब यहाँ कितना दे रहे हैं डेफिशिएंसी के लिए 150 से 200 मिलीग्राम दिया जाता है हर रोज और वो दिया जाता है आपके आयरन लेवल को इसके साथ आपको दिया जाता है विटामिन सी तो डेढ़ से दो मिलीग्राम आयरन डेली प्लस वाइटामिन सी जिससे कि आयरन एब्जॉर्ब अच्छा होगा तो नींबू मौसम्बी संतरा नारंगी सतरंगी सब खाओ ठीक है वो अच्छा होता है सो आयरन एब्जॉर्ब होगा साथ ही उसमें कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होता है मदद करते हैं ये सारी चीजें इसके साथ ये कितने दिन चलेगा कुछ महीनों तक चलेगा कुछ महीनों तक फिर टेस्ट होगा आपका आयरन लेवल हीमोग्लोबिन लेवल वापस आया नहीं आया और अगर आपका इंटेस्टाइन में ही प्रॉब्लम है कि आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो ये गोली भी काम नहीं करेगी गोली भी काम नहीं कर फिर आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा आयरन का आईवी आईवी इंजेक्शन आयरन का डायरेक्ट इंट्राविनस ट्यूब से सो so, ये सारे तरीके से डेफिशिएंसी पूरी की जाती है लेकिन ये बात याद रखिए आयरन की गोली सबके बस की बात नहीं है खाना गैस बनाती है जोरदार पेट में इसलिए कायदे से तो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का खाली पेट लेकिन खाली पेट गैस बनाती है इसीलिए गैस भी बना सकती है नोजिया उल्टी वॉमिटिंग डायरिया हार्ट बर्न ये सब हो सकता है और डार्क कलर का लाल आ, काले टाइप्स कलर का डार्क कलर की लैट्रिन भी आ सकती है सो so, लेकिन अगर आप आप खाते रह रहे हैं तो एक दो हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी अगर नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से बात करें हल्का या दूसरी तरीके की चीज़ों को ट्राई करें अगर डाइट से करना चाहें कि मेरे को तो आयरन रिच फूड खाना है तो आयरन रिच फूड में आ, लाल रंग की चीज़ें गाजर और बीट रूट नहीं उसमें आयरन नहीं होता एक्चुअली बोला जाता है उसमें आयरन है नहीं लाल रंग आयरन नहीं होता आयरन होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ब्रोकली केल अपना ग्रीन लीफी पालक ऐसी चीज़ों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है पीज में होता है मटर में ब्लैक आइड काले रंग की जो तो पीज़ होती है बिंटो पीन्स लीमा पीन्स इन में होता है ड्राई फ्रूट में होता है आयरन और होता है नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज मतलब चिकन मटन ये खासकर लिवर जो खाते हैं चिकन टर्की डक फिश जल फिश इन सब में आयरन होता है भर भर के तो ये खा सकते हैं राइट इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स होते हैं सीरियल्स होते हैं जो उनमें आयरन होता है जो सप्लीमेंट मतलब जैसे फोर्टिफाइड होता है सीरियल खा रहे हैं उसमें आयरन फोर्टिफाइड है आयरन फोर्टिफाइड ग्रेन है वो उनमें होता है तो अगर आपके सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे और आपका एनीमिया ठीक नहीं होगा तो इंजेक्शन लगेंगे या एनीमिया बहुत ज्यादा होगा यानी खून की कमी बहुत ज्यादा होगी तो खून भी चढ़ाना पड़ सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिया में छह या आठ के नीचे आठ या या छ हीमोग्लोबिन के नीचे किया जाता situation situation. आपको है ट्यूमर इलाज अलग है उसके लिए दवाई या ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है तो ये हुई पूरी कहानी आयरन डेफिशिएंसी की आई होप आपको समझ आई है कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए हम बैठे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए राइट थैंक यू सो मच आज के सवाल